भिलाई टाउनशिप में रहने वालों को छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ 1 सितंबर से मिलने लगेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना का लाभ बीते 1 मार्च 2019 से देने की मांग की और पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भिलाई के टाउनशिप में रहने वालों को छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ 1 सितंबर से मिलेगा, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना का लाभ 1 मार्च बीते 2019 से देने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें, पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में सेक्टर 1 गणेश पंडाल मैदान में प्रदर्शन किया गया। हाफ बिजली बिल योजना के 80 करोड़ न मिलने के विरोध में यहाँ पर आवाज उठाई गई। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित भाजपा के आला नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप वासियों को बिजली बिल की योजना का लाभ मार्च 2019 से मिलना चाहिए, उसको लेकर पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के नेतृत्व में सेक्टर 1 गणेश पंडाल में प्रदर्शन किया गया। यही पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे का कहना है कि मुख्यमंत्री और विधायक द्वारा भिलाई टाउनशिप वासियों को पिछले 4.5 सालों से गुमराह करने और बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मार्च 2019 से नहीं मिलने के विरोध में विशाल धरना का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री और भिलाई के विधायक ने झूठ बोलकर भिलाई टाउनशिप के बीएसपी से संबंध घरेलू उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल योजना के लाभ से वंचित रखा और अब चुनाव नजदीक आते ही देख सितंबर 2023 से इस योजना को यहाँ लागू कर दिया। इस बारे में दोनों ने ही जनता के सामने CSPDCL को हैंडओवर करने पर ही योजना का लाभ मिल पाने का झूठ परोसा और कहा कि हमारी मांग यही है कि जब मुख्यमंत्री सितंबर 2023 से इस योजना को लागू कर सकते हैं तो प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं की तरह मार्च 2019 से क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मार्च 2019 से योजना लागू होने पर टाउनशिप से 28,000 से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को कुल 80 करोड़ व प्रत्येक उपभोक्ता को लगभग 30,000 रुपये का लाभ प्राप्त होगा, यानी उन्हें आगे लगभग 2 वर्षों तक बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। पूर्व मंत्री प्रकाश पांडे ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से मार्च 2019 से इस योजना का लाभ भिलाई टाउनशिप वासियों को देने की मांग की थी। रोल है आज विशाल धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? आज ये धरना जो भिलाई के लोगों के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि भिलाई के लोगों को मात्र 2 महीने का बिजली बिल हाफ योजना दी जा रही है, मुख्यमंत्री और विधायक के द्वारा षड्यंत्र करके प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ताओं को लगभग 3900 करोड़ वो बोल रहे हैं कि माफ़ किया है और हमारा 80 करोड़ रुपया जो यहाँ के उपभोक्ताओं का बनता है उस उपभोक्ताओं के जो पैसा है वो लागू करें। अभी वो 1/9/2023 से दे रहे हैं, हमारी मांग है कि 1/3/2019 से दें, जो भिलाई के लोगों का अधिकार है। इस तरीके से पिछले समय से लगातार झूठ बोल रहे थे मुख्यमंत्री विधायक कि यहाँ के लोगों को तब तक ये सुविधा नहीं मिल सकती जब तक CSPDCL को टाउनशिप की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन अभी भी BSP का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हुए मात्र हमें 2 महीने का क्यों दे रहे हैं जबकि बाकी लोगों का 1 मार्च 2019 से दे रहे हैं। हमारी यही मांग है, हम मुख्यमंत्री से और पूरे लोगों से जो लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं उनसे मांग कर रहे हैं कि भिलाई के प्रत्येक उपभोक्ता का जो उनका हक है पिछले समय 400 यूनिट तक बिजली आपका वो उन्हें दें। प्रगति यात्रा कर रहे हैं देवेंद्र यादव, किस तरीके से देखते हैं? भिलाई की जो दुर्गति हुई है उस दुर्गति को देखने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताएंगे जिस तरीके से 21 सीट पर जो है भाजपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, क्या माना जाए कि प्रत्याशी घोषित क्यों किए गए, क्या कमजोर सीट थे इस कारण से वो प्रत्याशी घोषित कर दिए गए? देखिए, ये चुनाव की रणनीति है, हर पार्टी जीतने के लिए अपनी रणनीति बनाती है और रणनीति किसी को बताई नहीं जाती। आपका सीट कब तक फाइनल कर दिया जाएगा?
ये हम नहीं जानते हैं। रणनीति बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हर दृष्टि से सक्षम है। देखिए, निरंतर भिलाई के अंदर झूठ परोसा जा रहा है और झूठ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पिछले विधानसभा से लेकर अभी तक, चाहे लीज का मुद्दा हो, चाहे शराबबंदी की बात हो, चाहे बेरोजगार युवाओं की नौकरी की बात हो, और अभी बिजली बिल को लेकर भी एक नया झूठ बोला गया कि 1 सितंबर से बिजली बिल का जो हाफ का जो लाभ है वो भिलाई टाउनशिप और बीएसपी उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। हमारा ये मांग है कि जब ये 2019 से इसे लागू किया गया तो उस समय से ये लागू क्यों नहीं किया गया इस बीएसपी टाउनशिप में? तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा दिखती है। और ये 2 महीने का जिस तरीके से ये लॉलीपॉप पूरे छत्तीसगढ़ में देने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से इनका इस भिलाई के अंदर भी निरंतर ये प्रयास है। चाहे हाउस लीज की बात हो, चाहे 2 वक्त साफ पानी की बात हो, और अब बिजली की भी, जो बेसिक नीड है जो लोगों की, घर, पानी, बिजली, उस पर ये धोखा कर रहे हैं। और तो और इनके जो पार्षद हैं वो चावल का भी घोटाला कर रहे हैं। तो ये सभी आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। और ये जो धरना प्रदर्शन और ये जनसलाब इस बारिश में भी और इस कड़कती धूप में भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसका ये परिचात्मक है कि आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं भिलाई का परिवर्तन का ये धरना लगता है कि भिलाई की जनता इस भिलाई को शिक्षा दानी कहा जाता है, बहुत ही शिक्षित लोग हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अलग अलग भेष बना बना कर लोगों को गुमराह करते हैं। कभी बेटा बन जाते हैं, कभी भतीजा बन जाते हैं, किसी का पैर छू लेते हैं। तो ऐसे बहुरूपियों को अब भिलाई की जनता धीरे धीरे पहचान रही है। और 5 वर्ष महापौर कार्यकाल के भी हो गए और 9 वर्ष, 9.5 वर्ष विधायक कार्यकाल, पूरे 9.5 साल हो गए। इन 9.5 साल में अगर कुछ बड़ा है, अगर कोई प्रगति हुई है, तो उनकी खुद की प्रगति हुई है, भिलाई की प्रगति नहीं दिखती। बहरहाल देर तक चले प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के आला नेता शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।